आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए, जी नहीं, योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। और आज संविधान के दिवस पर संविधान में विश्वास करने वाले, संविधान को समझने वाले, संविधान को समर्पित सभी देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा कि देश में एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। जापान में एक प्रयोग हुआ था, जापान में देखा गया कि कुछ ही पॉलिटिकल फैमिली ही व्यवस्था में चल रहे हैं, तो किसी ने बीड़ा उठाया था कि वो नागरिकों को तैयार करेंगे और पॉलिटिकल फैमिली के बाहर के लोग निर्णय प्रक्रिया में कैसे आए, और बड़ी सफलतापूर्वक 30-40 साल लगे लेकिन करना पड़ा। लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए हमें भी हमारे देश में ऐसी चीजों की ओर जाने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता है, देशवासियों को जगाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से हमारे यहां भ्रष्टाचार, क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार को अनुमति देता है? कानून है, नियम है, सब है, लेकिन चिंता तब होती है कि जब न्यायपालिका ने, स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमामंडन चलता रहे, भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करके सिद्ध हुई हकीकतों के बावजूद भी जब राजनीतिक लाभ के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़कर, लोक लाज को तोड़ करके उनके साथ बैठना उठना शुरू हो जाता है, तो देश के नौजवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मतलब उनको भी वो मिलता रास्ता मिल जाता है कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है। 2-4 साल के बाद लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हमें ऐसी समाज व्यवस्था खड़ी करनी है। क्या समाज के अंदर, हाँ, भ्रष्टाचार के कारण कोई अगर गुना सिद्ध हो चुका है तो उसको सुधरने के लिए मौका दिया जाए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा देने की जो स्पर्धा चल पड़ी है, ये मैं समझता हूं अपने आप में नए लोगों को लूटने के रास्तों पर जाने के लिए मजबूर करती है।
और इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं। यह आजादी के 75 साल है, यह अमृत काल है। हमने अब तक आजादी के 75 साल दरमियान देश जिस स्थिति से गुजरा था, अंग्रेज भारत के नागरिकों के अधिकारों को कुचलने पर लगे हुए थे और उसके कारण हिंदुस्तान के नागरिकों को उसके अधिकार मिले इसके लिए लड़ना बहुत स्वाभाविक था और जरूरी भी था। महात्मा गांधी समेत हर कोई भारत के नागरिकों को उनके अधिकार मिले इसलिए वो लड़ते रहे, ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन ये भी सही है कि महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में भी अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते भी देश को कर्तव्य के लिए तैयार करने के लिए लगातार कोशिश की थी। उन्होंने भारत के नागरिकों में उस बीज को बोने की लगातार कोशिश की थी कि सफाई करो, प्रौढ़ शिक्षा करो, नारी सम्मान करो, नारी गौरव करो, नारी को एम्पावर करो, खादी पहनो, स्वदेशी का विचार, आत्मनिर्भर भारत का विचार, कर्तव्यों की तरफ महात्मा गांधी लगातार देश को तैयार करते रहे। लेकिन आजादी के बाद महात्मा गांधी ने जो कर्तव्य के बीज बोए थे वो आजादी के बाद वटवृक्ष बन जाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से शासन व्यवस्था ऐसी बनी कि उसने अधिकार 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 के ही बातें करके लोगों को एक ऐसी अवस्था में रखा कि हम हैं तो आपके अधिकार पूरे होंगे। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद कर्तव्य पर बल दिया गया होता तो अधिकारों की अपने आप रक्षा होती। कर्तव्य से दायित्व का बोध होता है, कर्तव्य से समाज के प्रति जिम्मेवारी का बोध होता है, अधिकार से कभी कभी एक याचक वृत्ति पैदा होती है कि मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए, यानी समाज को कुंठित रखने की कोशिश होती है। कर्तव्य के भाव से सामान्य मानवीय के जीवन में एक भाव होता है कि ये मेरा दायित्व है, मुझे इसको निभाना है, मुझे करना है, और जब मैं कर्तव्य का पालन करता हूं तो अपने आप किसी के अधिकार की रक्षा हो जाती है, किसी के अधिकार का सम्मान हो जाता है, किसी के अधिकार का गौरव हो जाता है, और उसके कारण कर्तव्य भी बनते हैं और अधिकार भी चलते हैं और स्वस्थ समाज की रचना होती है।